re ga ri ga ba ga ba ni sa pa ni sa ga re sa ni 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 ba 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 da 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 re 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 sa re sa ni sa. वेलकम बैक टू दीपशिखा म्यूजिक. इसके पहले के सेशन में हमने डिस्कस की थी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कुछ मुख्य तालों के बारे में जो कि विलंबित ख्याल में ज्यादा बजाई जाती है. आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी तालों के बारे में जो कि ध्रुपद धमार के साथ बजाई जाती है, वो भी तबले पर नहीं बल्कि पखावज पर. तो हम इस सेशन में आपको बताएंगे कि कैसे कैसे कौन कौन सी ताले हैं जो कि पखावज पे बजाई जाती हैं विद देयर लयकारीज. तो आगे बढ़ने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस एंड डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. पखावज पे बजने वाली जो पहली ताल है और जो छोटी ताल है वो है तीव्रा. जो तीव्रा ताल है वो सात मात्रा की ताल है और बिल्कुल इसका जो विभाग है रूपक की तरह है. लेकिन रूपक में यह है कि पहली मात्रा जो इसकी होती है वो खाली होती है जबकि इसकी पहली मात्रा फिर सम है. तो आइए देखते हैं कि तीव्र ताल को कैसे इसकी ताली दी जाती है और इसकी लयकारी की जाती है. इट इज वेरी सिंपल. धा दिन ता इट ग त ग दी ग न, ये बेसिक तीव्र ताल है. आइए बढ़ते हैं इसकी दुगुन की तरफ. धा दिन ता तिट कत गदि गन धा दिन ता तिट कत गदि गन, तिगुन धा दिन ता तिट कत गदि गन धा दिन ता तिट कत गदि गन धा दिन ता तिट कत गदि गन धा. चौ धा दिन ता तिट कत गदि गन 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 धा. ये थी तीव्रता. आगे बढ़ते हैं सूलता. सूल ताल जो है वो 10 मात्रा की ताल है जिसमें की दो दो मात्राओं के पांच ऐसे विभाजन हैं. तो आइए देखते हैं सूल ताल की ताली और इसकी लयकारी. धा धा दिन ता इट धा इट ग त ग दी गन, दुगुन धा धा दिन ता किट धा टिट क त ग दि गिन धा धा दिन ता किट धा टिट क त ग दि गिन. ये थी सूल ताल की दुगुन तिगुन. धा धा दिन ता किट धा टिट क त ग दि गिन धा धा दिन ता किट धा टिट क त ग दि गिन धा धा दिन ता किट धा टिट क त ग दि गिन धा. चौवन धा धा दिन धा किट धा तिट कत गद गिन धा धा दिन ता किट धा तिट कत गद गिन धा धा दिन ता किट धा तिट कत गद गिन धा धा दिन ता किट धा तिट कत गद गिन धा. ये थी सूल ताल. आइए बढ़ते हैं चार ताल की तरफ. चार ताल जिसे चौताल भी बोलते हैं और इसमें जो मात्राओं का विभाजन बिल्कुल एक ताल की तरह होता है लेकिन इसके बोल अलग हो जाते हैं पहली बात, और दूसरा ये पखावज की ताल है जो कि ध्रुपद के साथ इसे अकंपनी किया जाता है. तो वो सीखते हैं चार ताल और उसकी लयकारी. धा धा दिन ता इट था दिन ता तिट कत ग दि गन, यह है बेसिक चार ताल. दुगुन धा धा दिन ता किट धा दिन ता तिट कत ग दि गिन धा धा दिन ता किट धा दिन ता किट कत ग दि गिन, ये थी दुगुन तिगुन. धा धा दिन ता किट धा दिन ता तिट कत गद गिन धा धा दिन ता किट धा दिन ता तिट कत गद गिन धा धा दिन ता किट धा दिन ता तिट कत गद गिन धा. चौ धा धा दिन ता किट धा दिन ता तिट कत गद गिन धा धा दिन ता किट धा दिन ता तिट कत गद गिन धा धा दिन ता किट धा दिन ता तिट कत गद गिन धा धा दिन ता किट धा दिन ता तिट कत गद गिन धा. तो ये थी चौताल और उसकी लयकारी. एक ताल होती है धमार. धमार जो कि 14 मात्रा की ताल होती है और इसमें अनइवन मात्राओं का विभाजन होता है 5 2 3 4, इस तरीके से इसमें मात्राएं होती हैं, चार विभाग होते हैं तो उसमें ऐसे विभाजन होता है. और धमार जो है ये धमार एक गायकी भी होती है जिसके साथ इसे एकम्पनी किया जाता है. तो आइए सीखते हैं कैसे ताली दी जाती है धमार ताल की. त धी ट धी ट धा अ ग ती ट ती ट ता आ, दुगुन क धी
ट धी ट धा आ ग ती ट ती ट ता क धी ट धी ट धा आ ग ती ट ती ट ता आ ठीक है क धी ट धी ट धा आ ग ती ट ता आ क धी ट धी ट धा आ ग ती ट ता आ क धी ट धा आ ग ती ट ता आ क चौबी क धीट धीट धा आग तीट तीट ता आ क धीट धीट धा आग तीट तीट ता क धीट धीट धा आग तीट तीट ता आ क धीट धीट धा आग तीट तीट ता तो ये थी धमार ताल की दुगुन तिगुन चौगुन. आई होप विद दिस सेशन यू हैव अंडरस्टूड हाउ द ताल्स आर एंड देयर लयकारीज आर. तो इन तालों को समझना, ये थोड़ी सी कठिन ताले हैं, और इनको समझना और उसके साथ गायकी में एकम्पनी करना, इसके लिए आपको लाइव तबले की बहुत ज़रूरत पड़ेगी. तो उसके साथ आप गाइए, बजाइए, प्रैक्टिस करिए, रियाज करिए, और इन तालों की लयकारियों को भी ज़रूर सीखिए. लयकारी से आपकी ताल मजबूत होगी. तो आज के सेशन में इतना ही. हम मिलेंगे फर्दर इंटरेस्टिंग सेशंस में दीपशिखा म्यूजिक के साथ. तब तक के लिए नमस्कार.